और ये जिस गाड़ी का प्रयोग कर रहे थे उस पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था, हूटर लगा हुआ था, तो ये लोग फर्जी विधायक बनकर ये वसूली का कार्य करते थे। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा है और बाकायदा विधायक लिखा है और काम करते थे अवैध वसूली का। हमीरपुर पुलिस ने दो फर्जी विधायकों को गिरफ्तार किया है जो लोगों से अवैध वसूली किया करते थे। दोनों आरोपी फर्जी विधायक बनकर लोगों से अवैध वसूली करते थे और अगर कोई ना नुकुर करता था तो सीधा तमंचा दिखाकर डराते थे, धमकाते थे। आरोपी अनिरुद्ध सिंह और निर्भय सिंह चले थे नेता बनने, लेकिन पुलिस ने हवा ही निकाल दी। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है जिस पर भाजपा का झंडा लगा है और गाड़ी पर विधायक लिखा है। साथ ही दो तमंचे भी बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी और फिर कैसे इन दोनों की गिरफ्तारी हुई जरा खुद ही सुनिए। जिसमें ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की गाड़ी है जिसमें दो लोग जो रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर वहाँ से पुल के बीच में अवैध वसूली कर रहे हैं ट्रकों से। इस सूचना पर जैसे ही पुलिस टीम पहुंची तो इन दो व्यक्तियों द्वारा मौका पाकर वहां से भागने का प्रयास किया गया और जो पुलिस की टीम आगे उनको रोकने का प्रयास कर रही थी उन पर भी गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया गया टीम को। इसके पश्चात उनका पीछा कर उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है और साथ ही जामा तलाशी में उनके पास से लगभग 71,500 रुपये भी बरामद हुए हैं जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि ये पैसा उन्होंने अवैध वसूली से अर्जित किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि युवक अपने आप को विधायक बताकर ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। पुलिस ने दबिश दी तो दोनों आरोपियों ने अपनी स्कॉर्पियो से भागने की कोशिश की। इस दौरान एक सिपाही पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से अवैध वसूली से जमा किए गए 71,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। साथ ही दोनों पर 5-5 केस भी दर्ज कर दिए गए हैं। और ये जिस गाड़ी का प्रयोग कर रहे थे उस पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था, हूटर लगा हुआ था, तो ये लोग फर्जी विधायक बनकर ये वसूली का कार्य करते थे और इनके खुद के भी ट्रक चलते हैं तो इनके ट्रकों को भी मौके पर से ही सीज किया गया है और इस संबंध में जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं थाने पर उसमें से जो खनन अधिनियम के मुकदमे और आर्म्स एक्ट के और एक जो इन्होंने अवैध वसूली संबंधी और फर्जी जो गाड़ी पर स्टिकर लगाकर ये वसूली करते थे उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम अनिरुद्ध सिंह पुत्र श्याम कुमार सिंह, ये थाना किदवई नगर कानपुर का है, और निर्भय सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह, ये भी थाना किदवई नगर कानपुर का है, और इनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी, अवैध तमंचे और जो नगद पैसा और मोबाइल ये बरामद हुए हैं। तो फर्जी विधायक बनकर जिंदगी मौज में चल रही थी, लेकिन भैया ये यूपी पुलिस है, गलत करोगे तो पकड़े ही जाओगे। गिरफ्तारी के बाद टशन में रहने वाले फर्जी विधायक अब मुरझा गए हैं। इन फर्जी नेताओं के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।